एमपीवी शेप की या फिर वैन शेप की बात आती है तो बहुत सारी ऐसी कंपनी की गाड़ी होती है वो इस शेप में बहुत कंपनियां गाड़ी कम लॉन्च कर पाती है, लेकिन ये एक ऐसा मैं वेरिएंट दिखा रहा हूँ कंपनी का कि ये गाड़ी देखकर आप मतलब चौंक जाओगे कि और ये आपकी गाड़ी भी समझ में आने नहीं वाली ये गाड़ी कौन सी कंपनी की गाड़ी दिखा रहा है और ये कौन सा वेरिएंट दिखा रहे हो, क्योंकि ये इतनी मतलब यहाँ पे जो लोगो दिख रहे हो शेवरलेट का लोगो दिख रहे हो आप, यहाँ पे ग्रे कलर के पैटर्न में आता है लेकिन शेवरलेट का लोगो सिर्फ नाम का है, शेवरलेट का लोगो तो खैर जा चुका है, साइड प्रोपोर्शन की तरफ आता है। वैन एमपीवी और वैन इस मिक्सचर शेप में ये गाड़ी दिख रही है फिलहाल, ये मैं शेवरलेट की एंजॉय दिखा रहा हूँ। हेलो भाई, मैं ओमकार, सामने में रहे शेवरलेट की एंजॉय 1.4 इनलाइन 4 सिलेंडर मोटर जो 2014 में लॉन्च हुई थी उसका पहला वेरिएंट, और उसके बाद जो है वो धड़ाधड़ उसके सेलिंग बढ़ने लगे और बीच में रुक गए और बंद ही हो गए, उसके बाद इतने ज़्यादा बिक नहीं पाई जितनी ये बिकनी चाहिए थी। शेवरलेट यहाँ पे बड़ा बड़ा सा नाम आता है, शेवरलेट का यहाँ पे लोगो आता है, एंजॉय यहाँ पे लिखा हुआ है, और 2012 में जब बात आई थी तब BS4 उतना ज़्यादा नहीं चलता था, BS4 के अंडर गाड़ी आती थी, 8,90,000 के प्राइस सेगमेंट में एक शोरूम आपको ये गाड़ी जो है वो ऑफर हुआ करती थी उस टाइम जब जो पीरियड था 1.4 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर मोटर आया करती थी। लेकिन ये जो गाड़ी कंपनी अभी कंपनी भी जा चुकी है और ये गाड़ी का नाम भी हट चुका है, क्योंकि ये गाड़ी आप अभी किताबों में रही है, क्योंकि इसकी कंपनी ये जो इंपोर्टेड कंपनी है, यूरोपियन कंपनी है, ये जो है वो इंडिया का सब सामान वामान पैक करके ला चुकी है, और ये एकमात्र ऐसा वेरियंट आया शेवरलेट की जो है वो कमेरो आया करती थी उस टाइम, स्पोर्टी गाड़ी है वो तो याद रही, उसके बाद शेवरलेट की जो है वो बहुत सारी ऑप्ट्रास वगैरह बहुत सारी ऐसी गाड़ी आई, टवेरा आई, बहुत सारी कंपनियाँ है मतलब शेवरलेट की गाड़ी है वो छा गई मार्केट में, लेकिन ये जो गाड़ी है वो सिर्फ नाम की रहेगी, इसको मतलब ज्यादातर के लोग जो है वो जानते नहीं है। अभी फिलहाल गाड़ी के अंदर लेके चलता हूँ, साइड प्रोपोर्शन की तरफ आते हैं तो वैन शेप में टाइप मतलब एमपीवी वैन शेप इस मिक्सचर में आती है गाड़ी, सब 5 मीटर अंडर जो है वो गाड़ी हुआ करती थी, सब 4 मीटर के ऊपर, यानी कि 5 मीटर लेंथ, विड्थ अच्छी खासी 1145 का ग्राउंड क्लियरेंस ऊपर आपको मिल जाता था, यहाँ पे नंबर प्लेट है, खैर यहाँ पे शेवरलेट की बैजिंग है और सिल्वर ग्रे यहाँ पे जो है वो चारों के चारों क्रोम फिनिशिंग आपको अगेन देखने मिलता है, सिल्वर ग्रे कलर में आती है, डार्क ग्रे कलर आप अब देख रहे हो, बीच वाला जो है वो कलर देख रहे हो, उस टाइम मतलब इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा एंगेजमेंट नहीं हुआ करती थी। अगर साइड प्रोपोर्शनल की तरफ पीछे अगर आते हैं तो 5 मीटर से ऊपर आपको ये गाड़ी दिखाई पड़ती है, पीछे आपको अगेन यहाँ पे उस कंपनी फिटेड वो है वो रिफ्लेक्टर्स दे दिए गए थे, पीछे आपको एक शेवरलेट का लोगो अच्छा खासा दे दिया गया, और अगेन आपको पीछे आगे कैमरा दे दिया गया था उस टाइम का, अभी चलता है कि नहीं वो भी बताऊंगा, हैलोजन प्लेसमेंट थी, कोई भी डे टाइम रनिंग लाइट आपको देखने को नहीं मिलते थे, यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिक ORVM यहाँ पे नहीं मिलते थे उस टाइम, मतलब इलेक्ट्रिक एंगेजमेंट नहीं होते, और बिल्ड क्वालिटी की बात जब आती है तो अभी भी कोई भी गाड़ी की पर्टिकुलर इसके कंपैरिजन करते हैं अंडर 10 लाख तो ये गाड़ी बाजी मार लेते, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी देख लो, फतरा देख लो, अच्छा खासा मिल जाता था, शेवरलेट का ट्रस्ट उसके साथ साथ वही इंजन सिमिलर इंजन 2.0 लीटर उसमें मिलता था आपको, 2.5 लीटर जो है वो शेवरलेट टवेरा में, वही स्मॉल इंजन यहाँ पे आपको शेवरलेट का यूरोपियन इंपोर्टेड इंजन 1.4 लीटर आपको 4 सिलेंडर इसमें मिलता था, 75 BHP जो है वो 75 BHP छोड़ती थी, और मतलब उतना ज़्यादा जो है वो मतलब फ्यूल इफिशेंसी पे ज़्यादा फोकस कर दिया था। टॉर्क RPM की बात करते हो तो 81 न्यूटन मीटर का टॉर्क और 75 BHP 3000 RPM के अंदर छोड़ देती थी। शेवरलेट का लोगो देख सकते हो विदाउट क्रोम फिनिशिंग, अंदर जैसे मैं लेके चलता हूँ ये देख लो भाई, गाड़ी हिलती तक नहीं, इतनी अच्छी खासी कर दी, बिल्ड क्वालिटी उस टाइम उस वो वहाँ पे ज़्यादा फोकस हुआ करता था, ग्रैब हैंडल या फिर कोई भी आपको क्रोम पैटर्न वगैरह देखने को नहीं मिलता अंदर, यहाँ पे पूरे मतलब जो यहाँ पे बहुत सारे जो है वो इसके विंडशील्ड के कंट्रोल यहाँ पे दे दिए गए। जैसे मैं अंदर चढ़ता हूँ फुटरेस्ट यहाँ पे होना चाहिए था, फुटरेस्ट से थोड़ी कमी लगी मुझे, इग्निशन नॉर्मली मिलता है, लॉक अनलॉक की यहाँ पे की मिलती है लेकिन लॉक अनलॉक यहाँ पे नहीं है, जब उस टाइम मैनुअल आया करते, क्योंकि ये 2015 वाला वेरिएंट आप देख रहे हो, ऐसी नॉर्मल सी मैनुअल सी की दे दी गई है जो ऐसी लगानी पड़ती है, यहाँ पे जो फिलहाल की है। अंदर जैसे मैं लेके चलता हूँ एसी के चारों के चारों आते हैं नॉर्मली गाड़ियों के, लेकिन यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 एसी विंड्स दे दिए गए, क्योंकि यहाँ पे जो है वो एमपीवी गाड़ी हुआ करती है, मतलब गाड़ी में जैसे बैठते हो वैन जैसी फीलिंग आती है, मस्कुलर सी फीलिंग आती है। यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ डोर का थर्ड, सुन लो कितना ज्यादा मस्कुलर और हैवी है, काफी ज्यादा हैवी जो हार्ड आपको देखने को मिल जाता है। अगेन यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हो तो 180 तक मार्किंग, 200 तक मार्किंग थी उस टाइम, 6000 की RPM मतलब डीजल इंजन यहाँ पे देख रहे हो, काफी स्मूथ साइलेंट रिफाइंड इंजन हुआ करता था। यहाँ पे हालत तो गाड़ी की खैर गंदगी हो चुकी है, यहाँ पे जो है वो गियर नॉब वगैरह जा चुके हैं, मतलब बहुत साल हो चुके हैं गाड़ी को। यहाँ पे हैंड ब्रेक नॉर्मल सा आता था, यहाँ पे जो है वो आपको बॉटल वगैरह होल्डर तक नहीं मिलते थे, यहाँ पे 2 कप होल्डर मिलते हैं यहाँ पे, मतलब ये गाड़ी दिखाने का मकसद क्या रहा है, बिल्ड क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस किया था शेवरलेट वाले ने। यहाँ पे जो है एसी के कंट्रोल्स मैनुअल से दिखाई पड़ते हैं, यहाँ पे हज़ार लाइट्स की वार्निंग यहाँ पे दिखाई पड़ती है, यहाँ पे हज़ार लाइट जलते हैं, शेवरलेट का ट्रस्ट यार। और ये इंजन मतलब ये जो 1.4 लीटर डीजल इंजन है वो ज़्यादा चल नहीं पाया जितना चलना चाहिए था। अभी डोर का थर्ड सुन लो कितना ज़्यादा हैवी है,
यहाँ पे मस्कुलर है जो है वो थर्ड सुनाई देता है जब जैसे मैं दरवाजा बंद कर ले वैसे वैसे। ये देखो बॉडी की बिल्ड क्वालिटी, और मतलब शेवरलेट को मानना पड़ेगा उस टाइम 1.4 लीटर इंजन 75 BHP छोड़ना 81 न्यूटन मीटर का, और वो भी वैन जैसे शेप के लिए गाड़ी में, लेकिन जितनी चल नहीं पाई उतनी चलनी चाहिए थी। इसलिए आपके मतलब आपको समझ में नहीं आई होंगी पहले मैंने जब गाड़ी दिखाई, तब जैसे मैं बीच वाले वेरियंट में मतलब बीच वाले बगल वाले रो में चलता हूँ, मतलब ये 8 सीटर आप प्रैक्टिकल व्हीकल देख रहे हो, पीछे आपको वो बेंच फोल्डिंग सीट मतलब 60-40 तो नहीं मिलती थी लेकिन बेंच फोल्डिंग सीट मिलती थी। यहाँ पे बीच में अगर रो चलता हूँ एक मुझे कमी लगी सब यहाँ पे, अभी तो बहुत सारा मतलब साल भी गुजर चुके हैं लेकिन यहाँ पे फ्यूटरिस्ट होना चाहिए क्योंकि हाइट ज़्यादा है और आपको ग्राउंड क्लियरेंस में तकलीफ नहीं होगी। अच्छा खासा 2545 मिलीमीटर के ऊपर आपको ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे मिल जाता है। अंदर जैसे मैं चढ़ता हूँ तो यहाँ पे देख लो, अभी तो इनोवा जैसी गाड़ी पुरानी वाली से कंपेयर करते हो तो उतना स्पेस नहीं दे पाती, उतना थाई सपोर्ट वगैरह ज़्यादा नहीं दे पाती, अच्छा खासा स्पेस नहीं ऑफर करती, उतना ज़्यादा कहीं ज़्यादा स्पेशियस स्पेस उसमें एरिया एरिया से फीलिंग आती है अंदर जहाँ पे बैठते हो ना, तब स्पेस काफी प्रैक्टिकल मिल जाता है। और मतलब बॉटल होल्डर तो ज्यादातर नहीं दिखाई पड़ते थे उस टाइम, बॉटल होल्डर नहीं हुआ करते थे उतना, मतलब फोकस नहीं किया था चीजों को लेके। जैसे मैं दरवाजा खोलता हूँ यहाँ पे पीछे वाला भी दरवाजा अच्छा खासा जो आपको थर्ड सुनाई देता है, और जो है मटेरियल भी अच्छी खासी कर दी गई है। यहाँ पे चारों के चारों पावर विंडो मिलते हैं, इलेक्ट्रिक IRVM वगैरह नहीं मिल पाते, ORVM नहीं मिलते, डे टाइम रनिंग लाइट्स वगैरह नहीं मिलते, लेकिन जैसे मैं ड्राइवर साइड चलता हूँ अच्छी खासी एयरी फीलिंग आती है यार जब मैं चढ़ता हूँ तो। चारों के चारों जैसे अर्टिगा में आते हैं वैसे AC वेंट्स दे रखे सीधा मुंह पे, ग्रैब हैंडल उस टाइम दे रखे थे, मतलब ब्लैक और बेज कलर का कॉम्बिनेशन हुआ करता था। अभी तो इतने साल गुजर चुके हैं लेकिन गाड़ी का अंदर हालत बेज कलर भी इतना खराब नहीं हुआ, लेकिन ये देख लो आप देख सकते हो अच्छा खासा स्पेस मिलता था, थाई सपोर्ट अच्छा है। यहाँ पे जो सीट्स है वो बेल्ट बेंच फोल्डिंग होती थी यार, मतलब आप पीछे के रो में यहाँ तक कर सकते हो सिर्फ, उसके पीछे नहीं कर सकते, रिक्लाइन नहीं कर सकते ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादा रिक्लाइन नहीं होगी, यहाँ पे फिक्स्ड है। लेकिन ज़्यादा अगर ओवरवेट बंदा हो या फिर कोई पैसेंजर यहाँ पे बैठ रहा हो तो उसको पीठ दर्द होना स्टार्ट हो जाए क्योंकि यहाँ पे 180 डिग्री तक झुकती नहीं है, ज़्यादातर 90 डिग्री तक ही टिल्ड हो पाती है। यहाँ पे कैप्टन सीट्स दे रखे, ये देखो भाई साहब ये पूरा फोल्ड कर सकते हो आप, ऊपर कर सकते हो ऐसे और ऐसे अंदर जा सकते हो, और अंदर यहाँ पे 8 सीटर प्रैक्टिकल व्हीकल है, अभी जाके बताऊँगा कैसे है। यहाँ पे बेंच फोल्डिंग एक सिंगल सीट होती है, यहाँ पे मतलब 3 पैसेंजर बैठ सकते हैं। यहाँ पे शेवरलेट इंजॉय इतनी 1.4 लीटर इंजन हुआ करता था शेवरलेट का, तो जाना वाना जीता जाता हुआ इंजन होता था। जैसे मैं वॉक अराउंड लेता हूँ गाड़ी के, MPV शेप में आती थी उस टाइम जो है वो 1400 cc क्यूबिक कैपेसिटी वाला इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन जो है वो शेवरलेट का मिलता था, लेकिन ये जो गाड़ी है डिसकंटिन्यू हो चुकी है, अभी तो आपको देखने को नहीं मिलेगी ये गाड़ी क्योंकि कंपनी ये जा चुकी है, R&D खत्म हो चुकी है। और यहाँ पे अगर अंदर बात करते हो शेवरलेट का बड़ा बड़ा सा बाहर पीछे नाम दिखाई पड़ता है, शेवरलेट की बैजिंग दिखाई पड़ती है, एंजॉय दिखाई पड़ता है। यहाँ पे फिलहाल ये भगवान की मूर्ति है, मैं जैसे ही पीछे वाला रो खोलता है यहाँ पे लॉक है, कोई भी आपको मैग्नेटिक सेंसर वगैरह उस टाइम ऑफर नहीं करती थी कंपनियाँ, तो किताबों रखने के लिए सिर्फ स्पेस दे दिया गया था उस टाइम, मतलब कोई इलेक्ट्रॉनिक एंगेजमेंट नहीं थी। फिलहाल मैं की डाल देता हूँ, ऐसे जो है वो इंजन यहाँ पे हुआ करता था, यहाँ पे इग्निशन ऑन करने पर ऐसा आवाज आता था। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अगर बात करते हो तो कोई डिजिटलाइज नहीं, यहाँ पे स्पीडोमीटर वगैरह हाफ TFT डिस्प्ले में बताता था 1000 तक मार्किंग 6000 तक, यहाँ पे इंजन टेम्परेचर और कूलेंट टेम्परेचर की यहाँ पे वार्निंग बताता था, 200 तक मार्किंग यहाँ पे दिखाई पड़ती, यहाँ पे थर्ड पार्टी वाला आपको जो है इंस्ट्रूमेंट डाल दिया गया है, पायनियर का या फिर सोनी का वगैरह डाल देते थे। लेकिन उस टाइम इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के मतलब डिजिटल नहीं हुआ करता था, और यहाँ पे जो है वो TFT डिस्प्ले या फिर जो है वो टच स्क्रीन पैनल वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो शेवरलेट जो है वो 75 BHP छोड़ने वाली, और जो 65 BHP से ऊपर मतलब 75 BHP और 83 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क उस टाइम निकालना कोई आम बात नहीं हुआ करती थी। और जैसे मैं नीचे लेके चलता हूँ ग्राउंड क्लियरेंस 1245 के अंडर आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता, मतलब आगे थोड़ी सी झुका दी गई है, इतना ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है। लेकिन अगर जैसे मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ यहाँ पे थर्ड सुनो अच्छा खासा मिलता था, मतलब बिल्ड क्वालिटी पतरा वगैरह हो अच्छा खासा पतरा लोहे का मिलता था उस टाइम, मतलब इसकी अगर कंपैरिजन अगर होती ये गाड़ी या कंपनी होती तो इसका कंपैरिजन वैन जैसी पर्टिकल मतलब अर्टिगा ले लो, MPV शेप में नई वाली अर्टिगा, पुरानी वाली अर्टिगा ले लो, या फिर निसान की कोई भी गाड़ी ले लो MPV शेप में आती है उसके साथ कंपैरिजन होता, लेकिन ये कंपनी तो हट चुकी है, दिखाई आपको नहीं पड़ती। पीछे शेवरलेट की बेजिंग दिखाई पड़ती है, वही प्लस वाला जो मेडिकल वाला जो लोगो होता है वही दिखानी पड़ता है। जैसे मैं अंदर लेके अगर चलता हूँ तो यहाँ पे 60-40 बेंच फोल्ड सीट एक सिंगल मिलती है, मतलब ऐसे करते हो तो एक सीट फोल्ड होती है, और जैसे मैं अंदर लेके चलता हूँ तो 7 सीटर यहाँ पे आप बेंच फोल्ड सीट कर सकते हो, 7 पैसेंजर का प्रैक्टिकल, 8 पैसेंजर का पर्सनली प्रैक्टिकल देकर देख सकते हो, और काफ़ी एरी सी फीलिंग होती थी यार, मतलब अगर सो सकते हो तो यहाँ पे अगर सोना चाहते हो तो ये सिर्फ फोल्ड करनी है, यहाँ पे रिक्लाइन होती है, और यहाँ पे आप फोल्ड करके
या पूरे का पूरा एक आदमी सो सकता है, इतना ज़्यादा स्पेस आपको ऑफर करती थी। यहाँ पे फिलहाल कवर के अगेन आपको यहाँ पे स्टफ रखने के लिए कुछ जगह दी गई है। चारों के चारों जो आपको ड्राइवर को ड्राइवर पैसेंजर साइड के चारों के चारों आपको जो है वो पावर विंडोज अगेन आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे कुछ रखने के लिए स्टोरेज जगह है। बॉटल होल्डर तक नहीं है गाड़ी में, यहाँ पे जो है कप होल्डर दे रखा है, इंस्ट्रूमेंट कुछ ऐसा है। ऐसी फिलहाल तो गाड़ी है। यहाँ पे जो है वो ग्लो बॉक्स अच्छा खासा मिलता है, मतलब विड्थ इतनी अच्छी नहीं है, विड्थ तो अच्छी होनी चाहिए, लेंथ अच्छी खासी दे दी है। गोल मॉडल से एसी वेंट्स आते हैं, इंटीरियर कुछ ऐसा खासा है और एमपीवी शेप में आती है, लेकिन दिखने में एमपीवी है लेकिन वैन जैसी दिखती है पर्टिकुलर, मतलब मिक्सर उस टाइम डाला हुआ था। और निसान की कोई गाड़ी आती थी, मुझे कमेंट करके बताना, उसका कंपैरिजन यहाँ पे होता था उस शेवरलेट के एंजॉय का। 1.4 लीटर फिलहाल वो इंजन डिसकंटिन्यू होकर टवेरा लॉन्च कर दी, उसके बाद उसके पहले ही हुई थी, लेकिन ये जो गाड़ी है वो डिसकंटिन्यू होती हुई आपको नजर आती है। शेवरलेट की एंजॉय है वो एंजॉय 1.4 L8 वेरिएंट आप देख रहे हो, 8 पैसेंजर का ये फिलहाल तो आता है। यहाँ पे अपोलो के टायर अभी तो चेंज कर दिया, 185/70R14 के टायर प्रोफाइल मिलती थी, वही अगेन 195 वाली टायर प्रोफाइल आपको शेवरलेट टवेरा में दिखाई पड़ती है। कंपनी जा चुकी है लेकिन यही जो पर्टिकुलर इंजन है वो अच्छा खासा आपको मिल जाता था। लेकिन ये जो इंजन पर्टिकुलर आप देख रहे हो, यहाँ पे मैं आवाज़ सुनो गाड़ी की फिलहाल, ये देखो अभी गाड़ी तो पुरानी हो चुकी है, फिलहाल तो यहाँ पे अगेन देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे मैं विंड्स की तरफ लेके चलता हूँ यहाँ पे, और अंदर ये पुराना वाला अभी हो चुका है, लेकिन 1.4 लीटर इंजन फोर सिलेंडर इंजन मिलता है बैटरी पैक के साथ एक्स साइड के, तो ऐसा कुछ इंजन था वो डिसकंटिन्यू हो चुका हुआ आप देख सकते हो। अभी जैसे मैं बंद करता हूँ ये थर्ड सुनो अच्छा खासा आपको अगेन देखने को मिलता है। तो कैसे लगे शेवरलेट की एंजॉय मुझे कमेंट करके बताना, वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे शेवरलेट की एंजॉय, थैंक यू सो मच।